राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है एजेंसी सूत्र। तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है एजेंसी। राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी, नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरा दिन है जब लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि सोमवार और मंगलवार को भी राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। मंगलवार को करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। हालांकि आपको ये बता दें कि आज फिर से पूछताछ होगी। हालांकि पार्टी के कई सीनियर लीडर विरोध भी कर रहे हैं राहुल गांधी से पूछताछ का। कांग्रेस विरोध कर रही है। तो बड़ी जानकारी, तो राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील सिंह सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आज राहुल गांधी से फिर से पूछताछ की जाएगी, यानी कि आज तीसरा दिन है जब ईडी फिर से राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। सीधा सवाल से सवाल, जवाब पे जवाब दागे जा रहे हैं। सुशील, बिल्कुल साधना, देखिए आज तीसरा दिन है और ईडी आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी को नोटिस देकर बुलाई है और माना जा रहा है कि जो सवालों की फेहरिस्त है उसमें कई सवाल के जवाब राहुल गांधी ने यह कहकर टाल दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और उसे पूछ कर देंगे। और साथ ही जितने जवाब दाखिल किए गए हैं उनमें कई ऐसे जवाब हैं जिसे ईडी संतुष्ट नहीं है, यानी जो ईडी साक्ष्य लेकर जब सवाल पूछने बैठी है, डी के अधिकारी बैठे, तो वहां उसका जवाब संतोषजनक राहुल गांधी की तरफ से नहीं मिला। इसीलिए माना जा रहा है कि आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और समय वही 11 बजे का निर्धारित किया गया है और माना जा रहा है कि आज भी वही प्रकरण देखने को मिलेगा जो कल देखा जा रहा था। वही उग्र प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और दो मुख्यमंत्रियों का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने जिस तरह से हिरासत में लिया, वो तमाम बातें आज दोहराई जा सकती है। हालांकि आज देखना है कि वो तमाम सवाल जो पूछे जाएंगे राहुल गांधी से उसका जवाब संतोषजनक देते हैं या नहीं देते हैं। साधना, इससे पहले आज एक प्रेस वार्ता भी कांग्रेस के तरफ से आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, अजय माखन थे और साथ ही रणदीप सुरजेवाला थे और ये तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी और नेता थे और इन सबने केंद्र सरकार पर हमला बोला, मोदी सरकार पर हमला बोला और सबने एक बात कही कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 8 साल का काला अध्याय है मोदी सरकार का और प्रताड़ित करने के लिए राहुल गांधी को यह सारे प्रयास किए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जब मोदी डरने लगते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, यानी केंद्रीय एजेंसियों को आगे कर देते हैं और ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर आरोप लगाए गए और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई। ईडी के सहारे मोदी सरकार पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन जो ये जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, यह देखना है कि क्या कुछ इस पूछताछ में निकल कर सामने आता है। क्योंकि ये जो आरोप लगे थे नेशनल हेराल्ड का, जो एजेल कंपनी है और किस तरह से इसका कांग्रेस ने अधिग्रहण किया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोगों का इस केस में नाम है, तो निश्चित तौर पर इस पूछताछ में अब बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। और ये तो शुरुआत है, राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, इस मामले में भी सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी है और बताया जा रहा है कि 23 तारीख को सोनिया गांधी से पूछताछ इस पूरे मसले पर होनी है। और निश्चित तौर पे जो 3 दिनों का पूछताछ है, 8 घंटे और 10 घंटे की जो पूछताछ, बिल्कुल सुशील, बिल्कुल सुशील, उससे बिल्कुल लग रहा है कि जरूर इस केस से जुड़े हुए जो सवाल है उन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आज देखना है कि क्या कुछ जवाब मिलता है। जी
ठीक है सुशील, बात की जाए आज तीसरा दिन है, लेकिन ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने तो ये तक कह दिया है कि हर मोर्चे पर जो केंद्र सरकार है वो फेल है। अब बिल्कुल देखिए, हाँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रदर्शन से पहले, और आज भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बड़े नेता थे। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसमें थे, और उनके साथ भी कल देखा गया था कि किस तरह से भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और बदरपुर थाने में बैठाया था। तो तमाम ये चीजें कहीं ना कहीं संविधान से जोड़कर देखा जा रहा है और आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक और बात साधना इसमें सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई कि किस तरह से अकबर रोड AICC जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, और वहां इन्होंने आरोप लगाया कि किसी कार्यकर्ता, किसी जो पार्टी के ऑफिस बियरर हैं उनको भी जाने की इजाजत नहीं है, अर्थात पुलिस ने उसको भी कैद कर लिया है, उसको भी बंधक बना लिया है और वहां धारा 144 लागू कर किसी को आने जाने नहीं दे रही है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सब कुछ आज प्रेस वार्ता में लगाया गया। हालांकि साथ ही यह भी रणनीति तय की गई है कि आज का जो प्रदर्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि आज एक बार फिर राहुल गांधी से पूछताछ होनी है और इस पूछताछ में निश्चित तौर पर वो तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब अभी तक राहुल गांधी ने नहीं दे दिया है या संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।